मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, वेलकम टू सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल इन गुडियानी एंड रेवाड़ी। आज हम कर रहे हैं 8th क्लास का 3rd चैप्टर स्केयर्स एंड स्केयर्स रूट्स। एक्सरसाइज करेंगे 3A। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने अपना 2nd चैप्टर क्या किया था, कंप्लीट कर लिया था। जो क्वेश्चन मैंने दिए थे वो आप ट्राई करना। पहले हम पढ़ेंगे स्केयर्स। स्केयर्स होते क्या है इसके बारे में जानेंगे। इफ ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड द स्केयर ऑफ दैट नंबर। यानी यहाँ पर डेफिनेशन में क्या कहा गया है कि एक नंबर है वो अपने आप से क्या हो, मल्टीप्लाई, और जो प्रोडक्ट आएगी वो क्या कहलाएगी, स्केयर्स कहलाएगी उस नंबर की। अब फॉर एग्जांपल लेके देखते हैं, 2 है। अगर मैं 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई कराऊं तो यहां पर हम क्या लिखते हैं, अभी हमें प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था जब बेस सेम हो तो क्या हो जाती है, पावर एड हो जाती है। यहां पर 2 की पावर 2 और इसको क्या लिखते हैं, 2 × 2 = 4। यानी कोई ये पूछे कि 2 का स्क्वायर क्या होगा तो वो क्या कहेंगे हम, 4। यानी आज से हम 2 का स्क्वायर पढ़ेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम, 2 का स्क्वायर क्या है, 4। और 4 को हम क्या बोलेंगे, 4 इज द क्या है, स्क्वायर ऑफ 2। यानी जो 4 नंबर है वो क्या है, स्क्वायर ऑफ किसका, 2 का। ऐसे हम 3 × 3 करें तो यहां पर कितना आ जाएगा, 3 की पावर 2 = 9। 3 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 9 के बराबर। 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है। ऐसे हम करते हैं 11 × 11। अब 11 × 11 की मल्टीप्लाई क्या आएगी, यहाँ पर 11 की पावर 2 और यहाँ पर 11 × 11 की मल्टीप्लाई क्या आएगी, 121। 11 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 120। यानी इस तरह से हम क्या पढ़ेंगे अपने स्क्वायर। और जो आपकी बुक में क्या दे रखा है, एक स्क्वायर का पूरी टेबल गिवन है 1 to 100 तक, वो आपको क्या करनी है, लर्न करनी है। अब हम पढ़ते हैं परफेक्ट स्केयर। यानी परफेक्ट स्केयर क्या होंगे, अब फॉर एग्जांपल के लिए हम सोल्व करते हैं पहले एग्जांपल के थ्रू। 16 क्या परफेक्ट स्केयर है, इज 16 इज ए परफेक्ट स्केयर। परफेक्ट स्केयर है ये हमें क्या बताना, आंसर। तो यहां पर जो हमारा एलसीएम का मेथड होता था वो ही अपनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 16 को 2 से क्या करेंगे, डिवाइड। यहां पर कितना आ जाएगा, 8। फिर क्या करेंगे, 8 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे, यहां पर 4। फिर 2 को 2, फिर 2 को 1। अब 16 के फैक्टर क्या क्या है, 2 × 2 × 2 × 2। अब क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर पता करने के लिए हम क्या करेंगे, पेयरिंग बनाएंगे। यानी पेयर कितने का होगा, 2 2 का। यानी परफेक्ट स्क्वायर में हमें क्या बनाना होगा, पेयरिंग बनानी होगी और वो भी 2 2 की। यहां पर पेयरिंग बन गई, यानी ये एक पेयर ये एक पेयर। यहां पर कितना आएगा, 2 × 2 कितना होता है, 4 × 2 = 4। यहां पर भी एक पेयरिंग बन गई तो ये क्या हो गया, 4 की पावर 2। यानी 16 अपना क्या है, परफेक्ट स्केयर है। यानी 4 का जो 4 का स्केयर होगा वो किसके बराबर होगा, 16 के। अगर यहाँ पर कोई पेयर कंपेयर यानी पेयरिंग नहीं बना रहा तो वो क्या हो जाएगा, नॉट परफेक्ट। जैसे यहाँ पर सेकंड एग्जांपल लेते हैं, 8 इज परफेक्ट स्केयर। 8 परफेक्ट स्केयर है ये हमें पता करना है, वही अपना
अपना एलसीएम वाला यानी फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 का 2 से डिवाइड करेंगे 4, फिर 2 से, फिर 2, फिर 2 से, फिर 1। यहाँ 8 के फैक्टर क्या क्या है, 2 × 2 × 2 × 2। अब पेयरिंग करें तो यहाँ पर क्या है, एक ही पेयर बना लेकिन और क्या छूट गया, 1 2 छूट गया, यानी जहां पर कंप्लीट पेयर ना बने तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, नॉट परफेक्ट स्क्वेयर। यहाँ पर क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, शो 8 इज नॉट परफेक्ट स्क्वेयर, 8 परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है क्योंकि इसका कंप्लीट पेयरिंग नहीं है यहाँ पर। अब पढ़ेंगे हम प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए नंबर हैविंग 2, 3, 7 और 8 एट द यूनिट प्लेस इज नेवर ए परफेक्ट स्क्वेयर। यानी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रही है, अगर हमारे किसी भी नंबर में और उसके यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7 और 8 हो तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वेयर नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल 23, 92, 97, 88, ये क्या हमारे, ये कभी भी परफेक्ट स्क्वेयर नहीं बनेंगे क्योंकि इनके यूनिट प्लेस पे क्या है, 2 है, 3 है, 7 है एंड 8 है। यानी किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर 2, 3 एंड 7 और 8 हो तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वेयर नहीं बनेंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी है द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ ए परफेक्ट स्क्वेयर इज ऑलवेज इवन। यानी किसी नंबर के पीछे यानी एंड में इवन जीरोज हो तो वो हमेशा क्या बनेगा, परफेक्ट स्क्वेयर बनेगा। जैसे 100, यहाँ पर कितनी है 2, 2 मतलब इवन जीरो है तो क्या हो जाएगी, 10 का स्क्वेयर। ऐसे ही 400, यहाँ पर क्या है 2 है तो ये किसका हो जाएगा, 20 का स्क्वेयर। यानी सेकंड प्रॉपर्टी ये कहना चाह रही है कि किसी भी नंबर के पीछे अगर इवन जीरो है यानी इवन ऑलवेज इवन जीरोज है तो वो क्या क्या होंगे, हमेशा परफेक्ट स्क्वेयर बनेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है थर्ड, स्क्वेयर्स ऑफ इवन नंबर आर ऑलवेज इवन नंबर एंड स्क्वेयर्स ऑफ ऑड नंबर आर ऑलवेज ऑड नंबर। थर्ड प्रॉपर्टी में ये बताया गया है अगर हम इवन नंबर का हम स्क्वेयर्स निकालेंगे तो वो क्या निकलेगा, इवन नंबर ही निकल के आएगा। अगर हम ऑड नंबर के स्क्वेयर्स निकालते हैं तो हमारे पास जो स्क्वेयर्स आएगा वो भी ऑड नंबर ही आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 11 का स्क्वेयर कितना होता है, 121, ये क्या है, ऑड है, यानी ऑड का ऑड आया, इवन 11 भी क्या है, ऑड है। 12 का क्या आ जाएगा, 144, 12 का स्क्वेयर 144, ये क्या है, इवन, और 12 भी अपना क्या है, इवन। यानी थर्ड प्रॉपर्टी का कहने का मतलब ये है कि हम जब ऑड नंबर का स्क्वेयर निकालेंगे तो हमारे पास जो भी स्क्वेयर आएगा वो क्या आएगा, ऑड आएगा। जब हम इवन नंबर का स्क्वेयर निकालेंगे तो जो आएगा हमारे पास क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। फोर्थ है इफ एन ए परफेक्ट स्क्वेयर देन 2n कैन नेवर बी ए परफेक्ट स्क्वेयर। फोर्थ प्रॉपर्टी में कहा गया है कि n है वो परफेक्ट स्क्वेयर तो है, अगर उसको हम 2 से क्या करा दें, मल्टीप्लाई, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वेयर नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल 4 क्या है, 2 का परफेक्ट स्क्वेयर। फोर यहां पर क्या है, 2 का परफेक्ट स्क्वेयर है। अगर मैं 4 को 2 से मल्टीप्लाई करा दूं तो कितना आएगा, 8। यहां पर ये क्या है, नॉट परफेक्ट स्क्वेयर।
और ये परफेक्ट स्क्वायर। यानी फोर्थ प्रॉपर्टी में यही बताया गया है कि n का n कोई परफेक्ट स्क्वायर है, अगर उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता। जैसे हमने क्या लिया, 4 लिया, 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, यानी 2 का परफेक्ट स्क्वायर है। अगर मैं इसी 4 को 2 से मल्टीप्लाई करा दूं तो ये क्या वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, नहीं, 8 कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 5, ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज नेवर बी नेगेटिव, यानी परफेक्ट स्क्वायर होगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। 6 प्रॉपर्टी है, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n वी हैव द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑड नेचुरल नंबर, किसके बराबर लिखेंगे, n की पावर 2 यानी n का स्क्वायर, ये अपना रिजल्ट है। और नेक्स्ट भी अपना क्या है, रिजल्ट। 7th प्रॉपर्टी है, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n जब आपके पास ये रिटर्न हो, यानी n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, n प्लस 1 प्लस n, ये दोनों क्या है, अपने तीनों रिजल्ट हैं, इनको याद करना है आपको। और अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज। क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज का, यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हुए हमें ये बताना है कि फर्स्ट पार्ट के जितने पार्ट दे रखे हैं इसमें ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। हमें सबसे पहले नहीं पे फोकस करना है, तो हमें तो वैसे तो पता नहीं चला, लेकिन हम किसका यूज करना बताया इस क्वेश्चन में, प्राइम फैक्टराइजेशन का। तो फर्स्ट पार्ट है 400, अब इसका हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सॉल्यूशन लिखेंगे यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वो क्या होता है, जैसे हम एलसीएम निकालते हैं वही सेम है। फर्स्ट टाइम कितने पे जाएगा, 2 पे, 200, फिर 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, अब किस पे जाएगा, 5 पे, 5, फिर 5 वन जा 400 के प्राइम फैक्टर क्या है, 1, 2, 3, 4, यानी 2 कितने टाइम है, 4 टाइम, और 5 2 टाइम। अब हमने ये क्या पता करा था, जब भी हम परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, पेयरिंग बढ़ाएंगे, यानी दो दो नंबर की पेयरिंग, यानी सेम नंबर की होनी चाहिए वो भी पेयरिंग। तो यहां पर तो क्या है, ये पेयरिंग बन रही है, यानी 400 क्या है हमारा परफेक्ट स्क्वायर। तो यहां से कितना आ जाएगा, यहां से एक इस पेयर में से हम 2 लेंगे, और इस पेयर में से हम क्या लेंगे, 2, और इस पेयर में से हम क्या लेंगे, 5। तो इसका क्या आ जाएगा, 2 × 2 = 4, 4 × 5 यानी कितना, 20। 400 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 20 का। तो यहां पर हम लिखेंगे 400 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ये तो अपना क्या आ गया, परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पता करना है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब हम सेकंड को सोल्व करते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे वही यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेवन हंड्रेड सिक्सटी एट
वैसे भी मैंने जब अपनी सेकंड प्रॉपर्टी थी उसमें क्या बताया था, किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर 2, 3, 7 और 8 हो तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वेयर नहीं हो सकते। यहाँ पर अपना दिख रहा है कि यूनिट प्लेस पे क्या है हमारा 8, तो हम कह सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वेयर नंबर नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे दूसरे मेथड से पूछा गया है कि हमें इसके प्राइम फैक्टराइजेशन बढ़ाने ही है। तो सबसे पहले हम इसको किससे करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, फिर 8, फिर 4, फिर 2 से, फिर 1, फिर 9, फिर 2, फिर 2 से, फिर 9, फिर 6, फिर 2 से 4, 8, फिर 2 से 2, 4, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3 और अब 3 से 1। 768 के जो फैक्टर क्या है, पहले 2 को काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी 2 कितने टाइम है, 8 टाइम। अब क्या करेंगे हम, पेयरिंग बनाएंगे। यहां पर ये पेयरिंग बन गई लेकिन 3 छूट गए, यहां पर हमारा एक पेयर क्या है, अनकंप्लीट। तो हाँ यहां पर हम क्या कहेंगे कि 768 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। बिकॉज 3 इज नॉट पेयरिंग, 3 का यहां पर पेयर नहीं है। तो ये हमारा क्या आ गया, एक तो इसमें से हमने खोज लिया कि जो हमारा सेकंड पार्ट है वो नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, और इसके जितने भी पार्ट दे रखे हैं वो आपको क्या करना है, ट्राई करना है, सेम मेथड सेम रहेगा, और आपको खोजना है कि कौन सा नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट यानी स्क्वायर है, यानी कौन सा नंबर हमारे पास नॉट परफेक्ट है। क्वेश्चन सेकंड, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द गिवन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड शो दैट द प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन में जितने भी पार्ट है उनमें क्या करना है कि हमें ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर खोजना है कि हम उस नंबर से उसको क्या कर दे, जो गिवन नंबर है ना उसको मल्टीप्लाई कर दे उस नंबर से, जो हमें नंबर मिल जाए तो उनकी जो प्रोडक्ट आएगी वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। जैसे इसमें फर्स्ट पार्ट दे रखा है 512, पहले तो हम पता करेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर है भी या नहीं भी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अप्लाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था वैसे ही करना है। तो इसके जो फैक्टर बनाएंगे 512 के, तो फर्स्ट टाइम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, तो यहां पर कितना आ जाएगा 2, यहां पर 5, यहां पर 6, फिर 2 से 1, फिर 2, फिर 8, फिर 2 से करेंगे 6, 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3, 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4 और फिर 2 से और फिर 2 से। यहां पर देखते हैं हम 512 के फैक्टर, प्राइम फैक्टर कौन कौन से आए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी 5 कितने टाइम है, 9 टाइम है, ना सॉरी 2 कितने टाइम है, 9 टाइम है, 2 × 2 × 2 × 2। इंटू
यहां से ये पेयर और यहां से ये पेयर और यहां से इनकी पेयरिंग और यहां से इनकी पेयरिंग, यानी हमारे पास क्या बच गया, ओनली टू बच गया, इसका पेयर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो 512 है उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, टू से, यानी इसका एक पेयर हमें खोजना है। तो वो पेयर क्या है, क्या होगा, यानी सेम नंबर होगा, यहाँ टू है तो टू ही आएगा, यानी इस नंबर को हम किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, टू से। टू से मल्टीप्लाई कराते ही हमारे पास क्या हो जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पर लिखेंगे सो 512 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, वी मल्टीप्लाई दिस नंबर। दिस नंबर कौन सा है, 512 बाई टू, इट्स बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर। यानी इस नंबर को हम टू से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट है, वो आपको ट्राई करना है। हम करते हैं यहाँ पर थर्ड पार्ट, 1323 सॉल्यूशन अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसके भी क्या करेंगे, हम फैक्टर बढ़ाएंगे। अब ये टू से तो डिवाइड हो नहीं सकता, पीछे क्या है थ्री, हम इसको थ्री से डिवाइड करके देखते हैं, तो थ्री से करेंगे तो यहां पर आ जाएगा फोर, यहां पर फोर वन, अब थ्री से यहां पर वन, फिर फोर और फिर सेवन, फिर थ्री से यहां पर फोर और यहां पर नाइन, फिर आप किससे हो गई, सेवन से, ये सेवन पे और ये सेवन वन पे। 1323 के फैक्टर क्या है, 3 × 3 × 3 × 7 × 7। अब क्या करेंगे, हम पेयरिंग बनाएंगे, यहां से एक पेयर बन गया और सेवन का भी एक पेयर बन गया, लेकिन हमारे पास थ्री का पेयर नहीं है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, सो 1323 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करें, यहां पर वी मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय किससे करेंगे, यानी जिसका पेयर नहीं है उसी नंबर से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, यहां पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री से, इट्स बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर। यानी इसको थ्री से मल्टीप्लाई करने के बाद ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इसका सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट ट्राई करना है आपको। हमने इसका फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट हमने सोल्व किया है, मेथड सेम है। क्वेश्चन थर्ड, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर By which each of the given number should be divided so that the result is a perfect square. Second question में हमने किसका किया था, मल्टीप्लीकेशन का किया था, नहीं वहां पर क्या किया था हमने, मल्टीप्लाई। यहाँ पर जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें क्या करना है, हमें एक स्मॉलेस्ट नंबर है खोजना है कि उससे हम उस नंबर को डिवाइड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। तो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 180 सॉल्यूशन अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आप इसके क्या बनाएंगे, आप फैक्टर बनाएंगे 180 के, टू से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 90, फिर टू से 45, अब फाइव से करेंगे कितना आ जाएगा 9, आप किससे करेंगे थ्री से 3 और यहां 3 सॉरी 1। अब इसके क्या बना लिए हमने, प्राइम फैक्टर।
180 के जो फैक्टर आए वो क्या है, 2 × 2 × 3 × 3 × 5। अब क्या करेंगे हमें, हम क्या करेंगे जो परफेक्ट स्क्वेयर हमें निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, पेयरिंग बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या बढ़ाएंगे, नंबरों की पेयरिंग बढ़ाएंगे, वो भी सेम सेम की। तो यहाँ 2 की पेयरिंग है, 3 की पेयरिंग है, बट 5 की पेयरिंग नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, यहाँ पर शो 180 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वेयर, परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, वी डिवाइडेड दिस नंबर, दिस नंबर मतलब 180 को डिवाइडिंग बाय कितने से करेंगे, जो पेयरिंग छूट गया उस नंबर से क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाय 5। इट becomes a perfect square, क्या बन जाएगा, एक perfect square बन जाएगा 180 को अगर हम 5 से क्या कर देते हैं, divide। इसका second part आप try करना, मैं यहाँ पर third part करा रही हूँ। 6912 solution applying प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसके क्या बनाएंगे, हम फैक्टर बनाएंगे। फर्स्ट टाइम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, यहां 3 4 5 6, फिर 2 से 1 7 2 8, फिर 2 से 8 6 4, फिर 2 से 4 3 2, फिर 2 से 2 1 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 0 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 5 4, फिर 2 से 2 7। अब कितने से करेंगे, नेक्स्ट नंबर हम लेंगे 3, यहां पर आ जाएगा 9, अब फिर 3, यहां पर 3, अब 3 से 1। ये आपने क्या आ गए, प्राइम फैक्टर आ गए किसके, 6912 के। पहले हम किसको काउंट कर लेते हैं, 2 को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी जो 2 है हमारे कितने टाइम है, 8 टाइम। और 3 हमारे कितने टाइम है, 3 टाइम। परफेक्ट स्क्वेयर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। यहां से पेयर करते हैं, यहां से यहां ये पेयर बन गया, यहां से ये पेयर बन गए और यहां से ये पेयर बन गए, यानी 2 के तो सारे पेयर बन गए और 3 का एक ही पेयर बना, सेकंड पेयर नहीं बना। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 6912 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वेयर, वी डिवाइडेड दिस नंबर बाई इससे, जो पेयर छूट गया उससे डिवाइड कर देंगे, यानी 3 से। इट्स बिकम्स ए परफेक्ट स्क्वेयर, इसका सेकंड पार्ट। और जो फोर्थ पार्ट है वो आपको सोल्व करना है, सोल्यूशन का मेथड सेम रहेगा, जैसे हमने इसका फर्स्ट और थर्ड पार्ट किया है सेम मेथड है। इस एक्सरसाइज का जो फोर्थ क्वेश्चन है वो ट्रू और फॉल्स के लिए है, वो आपको सोल्व करना है, यानी उसमें से आपको बताना है कि वो कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है,
वो सिर्फ स्टेटमेंट के क्वेश्चन है जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है उन्हीं के बेस पे है, वो आपको खुद करना है। मैं यहाँ पर करा रही हूँ फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है जस्ट बाय लुकिंग एट द फॉलोइंग नंबर्स गिवन रीजन व्हाई दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। यानी फाइव क्वेश्चन में जो पार्ट दे रखा है, जो भी पार्ट दे रखे हैं, उसको देखने से हमें ये बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और उसका रीजन भी बताना सिर्फ देखने से। तो यहाँ पर देखते हैं जो अपना फर्स्ट है, फर्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वी नो दैट द नेचुरल नंबर्स एडिंग इन द डिजिट क्या है, इनके जो नेचुरल नंबर, ये सारे है तो नेचुरल नंबर, इनके एडिंग यानी लास्ट में डिजिट नंबर कौन कौन सी है। फर्स्ट में क्या है, 7 है, और थर्ड में है 3 है, फोर्थ में 8 है एंड फिफ्थ में क्या है 2। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जिस नंबर के एंडिंग या यूनिट प्लेस पे 2, 7, 3, 8 हो तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकते। तो यहाँ पर ये क्या है, आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कौन कौन से पार्ट नहीं है अपना, फर्स्ट पार्ट नहीं है, थर्ड नहीं है, फिफ्थ नहीं है, फोर्थ नहीं है, और उनका रीजन भी क्या है, इनके यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है, 7 है, 3 है, 8 है एंड 2 है। तो यहां पर लिखेंगे हम शो 2,367। नेक्स्ट है 35,943। उससे नेक्स्ट है 4,368। नेक्स्ट 3,33,222 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये क्या है, आपने परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड पे, अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट पे, यानी सेकंड पार्ट क्या आ रहा है, 57,000, ये हमारा क्या है, सेकंड पार्ट है। तो यहां पर हम लिखेंगे वी नो दैट द नंबर एडिंग इन द ओड नंबर ऑफ कॉन्जुगेटिव 0 शो 57,000 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, यानी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कैसे, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि उसके किसी भी नंबर के एंडिंग में अगर इवन 0 है तो वो क्या बनेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है, जो 0 की जो काउंटिंग है वो क्या है, ओड, तो ये नंबर जो हमारा है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।